नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों पेंजी के प्लांट के बारे में, इसकी केयर और फर्टिलाइजर और सॉयल टाइप कैसा रहना चाहिए, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। और ये देखिए दो प्लांट है और एक साइड में देखिए फूल दिख रहा है, तो इसका बहुत सारा कलर आता है दोस्तों, जो भी मिले आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बटरफ्लाई जैसा ही आपको दिखेगा। और ये प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ प्लांट है और ये जो देख रहे हैं आप, ये कम से कम आपका 30-40 दिन का प्लांट होगा। तो दोस्तों नर्सरी में इसका प्राइस 20 से 30 रुपया होता है, बहुत ही सस्ता प्लांट है। और इसे मैं देखिए इस पॉट में मैं लगाऊंगा, और दो अलग अलग पॉट में लिया हूँ। और मीडिया देखिए आपका सैंडी सॉयल और उसमें थोड़ा राइस सल्स आप मिला लीजिएगा। राइस सल्स ना मिले भी तो सैंडी सॉयल गोबर का खाद मिलाने पर भी आपका चल जाएगा। और ये दोस्तों देखिए पॉली बैग में है और बहुत ही छोटा सा पॉली बैग है, इसमें यहाँ तक तो रूट ग्रोथ आ गया, लेकिन आगे के लिए इसको बड़ा पॉट चाहिए। वैसे इसका रूट बहुत सॉफ्ट होता है और ज़्यादा डीप तक जाता नहीं है, लेकिन पॉली बैग बहुत छोटा है और इससे थोड़ा बड़ा पॉट मैं लिया हूँ। और ये देखिए बहुत आराम के साथ आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आपका प्लांट मुरझा गया तो बड सब खराब हो जाएंगे। और पहले आप पॉटिंग मिक्स और ये सब रेडी करके ही आप ये काम कीजिएगा। और इसे आपको लगाना है शाम को। और ये देखिए बहुत आसानी से यहाँ से निकल आएगा, थोड़ा सा आप अगर प्रेस कर देंगे और इसे उल्टा कर देंगे तो देखिए निकल आया और बहुत ही ज़बरदस्त रूट ग्रोथ आया है। देखिए चारों तरफ आपको रूट ही रूट दिख रहा होगा, बहुत ही सॉफ्ट रूट रहता है इसका दोस्तों। आप कोशिश कीजिएगा जैसे एक भी रूट ना टूटे, और रूट अगर टूटता है तो प्लांट फिर मुरझाएगा और इसे रिकवर करने में 3-4 दिन लगेंगे। तो बहुत आराम से आप, टाइम भले ही लगे बहुत आराम से निकालिएगा इसे। और यहाँ पे देखिए मैं पॉटिंग मीडिया जो लिया हूँ, सैंडी सॉयल और राइस सल्स है दोस्तों, और उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद। और मीडिया बहुत ही पोरस मीडिया है, ऐसा ही मीडिया चाहिए इसको। और देखिए थोड़ा सा मिट्टी में निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये पॉली बैग में जो प्लांट निकाला दोस्तों, उसका रूट बॉल के हिसाब से मिट्टी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और इसका जगह बना लेते हैं थोड़ा, ये देखिए बहुत आसानी से बन गया जगह। अभी उसको यहाँ पे बिठाना है, ये देखिए यहाँ पे, तो और थोड़ा जगह बना लेते हैं। बहुत आसानी से देखिए बैठ गया। और साइड में सब आपको मिट्टी फिल करना है, जो मिट्टी आप निकाले थे उसी मिट्टी को आपको फिल करना है। और येलो पत्ता अगर है तो उसे निकाल दीजिए और मिट्टी दोस्तों फिल कर देंगे यहाँ पे। थोड़ा सा प्रेस करना है इसको, ये देखिए गमले के लेवल में आ गया है प्लांट। और चारों तरफ बस मिट्टी को फिल करना है, मिट्टी हल्के से नहीं फील करना है दोस्तों, थोड़ा प्रेस करके आप फील कीजिएगा। और पानी देने पर ये मिट्टी भी सेट हो जाएगा। और दोस्तों एक दो दिन में ही प्लांट का रूट ग्रोथ आ जाएगा और नया मिट्टी को पकड़ लेगा ये। तो ऐसे देखिए साइड में मैं प्रेस कर रहा हूँ ताकि गैप ना रहे, और दोस्तों गैप रहता भी है तो पानी देने पर आपका आ जाएगा। और एक प्लांट मैं रेडी कर लिया हूँ, दूसरा को भी ऐसे करना है, और इसीलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो। और सेम चीज़ करना है आपको दूसरे प्लांट के भी साथ। और दोस्तों पेंजी बटरफ्लाई जैसा ही दिखेगा आपको, जब ये खिलता है तो बहुत प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी खास बात है इसका ये बाई कलर होता है, आपका एक फूल में 3-4 कलर आता है दोस्तों, तो किसी भी कलर का पेंजी आपका निकले पैसा उसूल प्लांट है। और पेंजी को आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ये 5 रुपया में जो आता है दोस्तों छोटा सा प्लांट, उसे अगर आप लाते हो तो बड़ा करने में आपको 50-60 दिन लग जाता है। और मैं जो ये प्लांट लाया हूँ ये दोस्तों अभी 10 दिन में ही फूल दे देगा, करीब इसका एज 45-50 दिन का होगा। और पेंजी बहुत टाइम लगाता है दोस्तों और लेट फ्लावरिंग करता है, आपका जनवरी में खिलता है, आप जितने ही पहले लगाइए इसको। किसी किसी एरिया में ठंड जल्दी आ जाता है तो वो लोग लगाते हैं इसे
अक्टूबर से, अक्टूबर से अगर आप लगाते हो तो दिसंबर में फूल दे देता है, लेकिन नवंबर में अगर आप लगाते हो तो जनवरी चला जाता है दोस्तों। और पानी हल्के हाथों से आप दीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है, और साइड में देने की कोशिश कीजिएगा। मेरा पॉट में थोड़ा साइड में जगह नहीं है, फिर भी मैं साइड में दूंगा दोस्तों। ऐसे साइड में देने पर बहुत अच्छा है प्लांट के ऊपर देने के बजाय, और पानी देने पर ये सेट हो जाएगा। और इसको रखना है छांव में, एक दिन के बाद इसे निकालेगा दोस्तों, और चार पाँच दिन के बाद डीएपी के बस दो तीन दाने ही आपको देना है। डीएपी दोस्तों बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, बस ये देखिए जो मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे तीन दाने ही आपको देना है। और पेंजी ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए नहीं उसको, छोटा सा पौधा है, ज़्यादा देंगे तो प्लांट जल जाएगा। तो आज का इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।